बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। 47 न्यूज़ के साथ मैं हूं कल्सूम हबीब। आइए नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। It's gone big, it's gone very big, and it's gone for six, and that is the winning moment. पहली एंट्री, पहला टाकरा, पहली फतह। आगाज हो तो ऐसा अंदाज, हो तो ऐसा वाह मुल्तान सुल्तान वाह। मुल्तान के सुल्तानों ने पिशावर जलमी को 7 विकेटों से हरा दिया। 152 स्कोर का हदफ आखिरी ओवर में पूरा कर लिया गया। रंग PSL 3 की इफ्तिताही तकरीब, स्टेडियम रंगो नूर में नहा गया। अल अजीज़ आइवान फील्ड जिमनी रेफरेंस केस की समाअत आज फिर होगी। पहले गवाह रॉबर्ट रेडले का बयान वीडियो लिंक के जरिए रिकॉर्ड। 2007 से पहले कैलबरी फोन से दस्तावेज लिखना मुमकिन नहीं था। फ्रॉन्जिक एक्सपर्ट 2005 में इसका लाइसेंस सिर्फ IT माहिरीन को दिया गया। मरियम नवाज कहती है, मुझे इस दिन का इंतजार था। जानती थी रॉबर्ट रेडले झूठ नहीं बोल सकते। नून लीगी रहनुमा का लंदन से गवाह की वीडियो बयान से मुतलिक ट्वीट। इल्म था ये जो गवाह पेश करेंगे वो इनके किए किराए पर पानी फेर देंगे। इसहाक डार के खिलाफ आमदन से ज्यादा सासों का रेफरेंस आज समाप्त होगी। नैब ने जिमनी रेफरेंस दायर करने के लिए अदालत से वक्त मांग रखा है। शहबाज शरीफ को नून लीग का नया सदर बनाने पर इत्तेफाक हो गया। शहबाज शरीफ 3 रोज बाद कायम मकाम सरबराह का ओहदा संभालेंगे। मुस्तकिल इंतखाब के लिए शहबाज शरीफ 45 रोज में मजलिस आमला का इजलास बुलाएंगे। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के कायद कहलाएंगे। राजा जफरुल हक के जमा कराए गए तमाम टिकट मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने नून लीग के तमाम उम्मीदवार आजाद करार दिए। नवाज शरीफ हदिया पर तनकीद से बाज ना आए। मेरा नाम मोहम्मद नवाज शरीफ है। इसको भी आपने छीना तो छीन लो। अदालत ने इंतजामिया के बाद मकनना का इख्तियार भी छीन लिया। फैसला इंतकाम और बुगस पर मबनी है। साबिक वजीर आजम जो ताहयात नाहल करार करना चाहते हैं वो नवाज शरीफ नाम भी छीन लें। मुजरिम को पार्टी का हेड बनाने वाला कानून कोई भी दुनिया का सुप्रीम कोर्ट इसकी इजाजत नहीं देता। ये तो इस मुल्क के अंदर हमारी जमहूरियत की इन्होंने धज्जियां उड़ा दी हैं एक शख्स की चोरी बचाने के लिए। कहते हैं मुल्की अदारों को हर चीमा जैसा माफिया कंट्रोल कर रहा है। माफिया रहेगा तो जमहूरियत आएगी, फैसले का वक्त आ गया। इमरान खान ये भी कहते हैं नून लीग ने आइन की धज्जियां उड़ा दी, अब रोना धोना लगा रखा है। चीमा की गिरफ्तारी के बाद बेचैनी। ब्यूरोक्रेसी की नैब के खिलाफ गठजोड़ की तैयारियां। सुबह भर के इंतजामी अफसर सुबह 9 बजे तक। MQM पाकिस्तान के धड़ों में फासले बरकरार। बहादुराबाद ग्रुप मीडिया बयान से कारकुनों को गुमराह ना करे। PIB राबता कमेटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नकीब केस तहकीकात में अहम पेशरफ्त। जारी मुकाबलों में जारी इंटरव्यू का भी इंकशाफ। कराची में लांडी जेल के कैदी की तशद्दुद ज्यादा लाश जिना अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। आरिफ हमीद को तशद्दुद करके मारा गया। लवाहिकीन का एहतजाज। सुबह वजीर आला हाउस के सामने एहतजाज करने का ऐलान। कराची महमूद अबास
बाद में डकैती मजामत पर फायरिंग की गई, गार्ड जाम बहा। इब्राहिम हैदरी को छुरियों के वार से कत्ल किया गया, 3 अफराद जख्मी। कालादम तंजीम हजबुल अहरार का आम कमांडर 2 साथियों समेत मारा गया। अफगान मलेशिया और दहशत गर्दों के दरमियान झड़प अफगान सूबे नंगरहार में हुई। सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास शामी शहर वोता में जंग बंदी की करारदाद पर इत्तेफाक ना हो सका। खवातीन के लिबास पर नामुनासिब तबसरे का इल्जाम, डिप्टी डायरेक्टर यूनिसेफ मुस्ताफी हो गए। तहसील दुनियापुर बार कौंसिल में नई मर्शद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लोधरा के इस्तकबाल और हलफ बरदारी की तकरीब। कौंसिल दुनियापुर की सदर मियां तनवीर इकबाल, जनरल सेक्रेटरी अब्दुल रऊफ गोंदल और वकला ने इस्तकबाल किया। दुनियापुर के सदर और जनरल सेक्रेटरी ने पुरजोश तरीके से नई मर्शद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहिब को खुशामदीद कहा और फूलों का गुलदस्ता भी पेश किया। तकरीब का बाकायदा आगाज कुरान की तलावत से किया गया। तकरीब में नई मर्शद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लोधरा में मुंतखब होने वाले सदर मियां तनवीर से हलफ दे लिया। जदीद टेक्नोलॉजी स्पोर्ट्स लग्जरी कमर्शियल 1 से बढ़कर 1 मॉडल। कनाडा के शहर टोरंटो में इंटरनेशनल मोटर शो की रानाइयां जारी। शो या हैरत कदा मिलान फैशन वीक में अजब अंदाज, मॉडल्स की हाथों में अपने ही सर उठाए वो, रैंप पर सांप ड्रैगन तीसरी आंख जैसी हैरत अंगेज चीजें। Sent you to London so you wouldn't start a war in Kingston. लंदन में राज करने वाले ड्रग माफिया की कहानी, हॉलीवुड फिल्म यार डे का पहला ट्रेलर जारी। चंडीगोट आवासीय लिंक कैनाल के साथ सीम नाला बनाने की मंजूरी दे दी गई। रेलवे लाइन तक में सीम नाले की तामीर के लिए फंड जारी हो चुके हैं। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, मजीद खबरों की तफसीलात जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.live47news.com।